दरअसल मैं जिन परमात्मा से संबंध रखता हूँ जी, उनके बारे में तुलसी बाबा लिखते हैं, तापस वेश विशेष उदासी। परमात्मा राम विशेष उदासी रूप धारण करके अयोध्या से जब निकले और उनके आने के बाद ही भगवती जगदम्बा पृथ्वी में समाहित हो गई, तब से अयोध्या की भूमि उदासीनता से घिरी हुई है। तो वहाँ हमारे जैसे हमसे पहले भी दिव्य और श्रेष्ठ साधु हुए जिन्होंने संगीत को सिर्फ उपासना मार्ग में उपयोग किया, उन्होंने प्रदर्शन में नहीं लाया। लेकिन मैं ये विचार किया अपने प्रबुद्ध लोगों के द्वारा सुनकर कि इसको प्रचारित और प्रसारित किया जाए, क्योंकि अयोध्या पूरी मस्तके, अयोध्या सभी पुरियों का मस्तक है और संगीत का पर्याय है, यहीं से यहीं संगीत की रक्षा हुई है। आप सुने होंगे हवेली परंपरा। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो हवेली परंपरा अपभ्रंश नाम है, वो मंदिर परंपरा उसको कहिए आप। अच्छा, हवेली परंपरा तो आधुनिक लोगों ने नाम रख दिया उसका। दरअसल विष्णु दिगंबर पलुष्कर जी का आप नाम सुने होंगे, वो हमारे अयोध्या के ही साधु थे। अच्छा, अयोध्या के साधु थे, अयोध्या में दीक्षित हुए और यहाँ उन्होंने ठाकुर जी को राग रागनी सुनाए। उनके कितने पद हैं, जो कनक बिहारी जी को ठाकुर जी का नाम लेकर उन्होंने पद की रचना की है। फिर वो ग्वालियर चले गए, यहाँ से ग्वालियर गए, प्रचार प्रसार किया, अयोध्या भी आते जाते रहते थे। उन्हीं के शिष्यों की श्रृंखला में श्री राम मोहिनी शरण, श्री राम किशोर दास जी के श्रृंखला में एक साधु श्री गौरी शंकर महाराज जी के नाम से जाने गए जी, जो हमारे पूज्य गुरुदेव हुए। वो ध्रुपद के, तराने के, तिरवट के और चतुरंग के और प्रबंध गान के बहुत ही सिद्धहस्त गायक हैं इस समय। तो मैं अपनी पात्रता के अनुसार उनसे जो सीखा वही थोड़ा मोड़ा कोशिश कर रहा हूँ और बांटता हूँ, क्योंकि विद्या बांटने से बढ़ती है। मेरा शरीर झारखंड का है, झारखंड में यूपी के बॉर्डर पे जी, मतलब ज़्यादा करीब यूपी के है वो गढ़वा। वहाँ से मैं 14-15 वर्ष की उम्र में 10वीं कक्षा पास करके प्रथम श्रेणी से अयोध्या आ गया, रामायण देख करके कि वहाँ का कितना अच्छा माहौल है। लेकिन यहाँ वैसा कुछ पाया नहीं, हाँ लेकिन संगीत का धरोहर मिला मुझे। यहाँ आने के बाद श्री हमारे जो पूज्य गुरुदेव हैं उनसे मैंने संगीत की शिक्षा ली। ध्रुपद सुरों को कैसे लगाना है, यमन में गांधार कैसे लगेगा, तोड़ी में ऋषभ कैसे लगेगा, और जैसे धेनु की आवाज़ निकलती है दरबारी में वैसा गांधार लगना चाहिए, गांधार और धैवत आंदोलित हैं, कौशी कान्हड़ा कैसे गाना है, रामकली कैसे गाना है, गुणकली कैसे गाना है, भैरवी कितने प्रकार से गाए जाते हैं, इन सबों को बृहत रूप से उन्होंने डांट डांट करके हमें सिखाया। पहले तो डांट के भगा दिए थे, बाद में बहुत मशक्कत से उन्होंने अपनाया, क्योंकि गुरु के ऊपर है, वो गंडा बांधेगा कि स्वीकार करेगा कि नहीं, सही बिल्कुल, आपको शिष्य के रूप में। तो फिर हमने भी लगन से सीखा, क्योंकि बड़े शौक से मैंने सीखा। और फिर शिवरंजनी का मैंने 2-3 महीने अभ्यास किया, रागनी शिवरंजनी का, बड़ा मन लगता था उसमें, तो उससे वैराग्य मेरे अंदर आ गया, फिर मैं साधु हो गया। ये शिवरंजनी का सर ग पद सद पग रे ग पद सा रे द स पद ग प रे ग सर ध ग रे ध सा, शिवरंजनी का स्वरूप। हमारे पिताजी बोले कि चलो एक लड़का साधु हो गया, अच्छा, लेकिन माँ का प्रेम तो आप जानते ही हैं, कुपुत्र हो जाए तो क्वचिदपि कुमाता न भवती। हमारी माँ बिलख उठी तो हम उसे बात करते रहते हैं, आशीर्वाद लेते रहते हैं। अभी भी वो हमसे बोलती है, बाबू टीवी पे देखा रहला, अपनी भाषा में बोलती जी, है जी, जी। तो हमने बात की, हमने कहा जी जी, तो बोली कि बहुत अच्छा लागल, चलो सामने से नहीं देख पहली, टीवी पर तो देख ले ली, अभी फ़ोन की थी हमारे पास, तो बातचीत होती रहती है, आशीर्वाद लेते हैं। और सुबह मैं उठता हूँ तो सबसे पहले माँ का स्मरण करता हूँ, फिर धरती को प्रणाम करता हूँ, फिर अपने इष्ट को। तो विशेष बात बताना चाहूँगा, हमारे गुरु जी कहते हैं जी कि जिस स्थान पे अपने गुरु की दी हुई संगीत विद्या को बैठ करके साधक साधता है वही उसका घराना होता है जी। हमारे गुरु जी बता रहे थे, हसु हद्दू खाने कड़क बिजली तान से ग्वालियर घराने को चमकाया, लेकिन हमारे अवध घराने में तिहाई परक और मीड परक गायकी है, खटका मुर्की नहीं है,
यमन भाइयों के द्वारा, यमनों के द्वारा, मुस्लिम भाइयों के द्वारा ये है, लेकिन हम लोगों में क्या है, जे रे 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 ना रे रे ते न रे रे ना रे 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 ते न रे नू, ये थोड़ा सा ध्रुपद का, हाँ ध्रुपद अंग की गायकी, हाँ, लेकिन इसमें खटके का प्रयोग हमारे गुरुजी कर दिए। अच्छा, हमारे गुरुजी ने एक अलग अंग इसमें दे रे ना ते न रे तनर नररी रतना तना, ये खटका है, तना रे ना रेनु, इसका प्रयोग, खटके का प्रयोग उन्होंने कर दिया। तिहाई परक अयोध्या घराना, इसमें तिहाई का खटके का प्रयोग प्रचुर मात्रा में, और साहित्य बड़े अच्छे मिलेंगे, जैसे और जगह सैया दहियाँ आपको मिलेगा साहित्य में, लेकिन यहाँ क्या है, शरद चंद बदनी सुगर गज गामिनी मृदु चरण पल्लव बिमल मदन दर्प प्रमथनी, माँ किशोरी के ऊपर जी, शरद चंद बदनी, शरद चंद्रमा के समान बदन वाली, शरद चंद बदनी सुगर गज गामिनी, जैसे हाथी चलता है वैसे चलने वाली भगवती, और कामदेव के हृदय को भी मथ देने वाली हैं और रसिकों के मन को भाने वाली हैं। तो यहाँ परमात्मा परक साहित्य हैं जो मार्गी पद्धति में निबद्ध हैं, मार्गी पद्धति में निबद्ध हैं। अपने घराने के बारे में खास तौर पे बताना चाहूँ, यहाँ बधैया कीर्तन को भी क्लासिकल में गाया जाता है, जैसे श्री राम जय जय राम, श्री झपताल में है, लोग कहते हैं श्री राम जय राम जय जय राम, यहाँ ताल में कीर्तन को भी गाया जाता है, मतलब यहाँ समझौता नहीं हुआ शास्त्रीयता से। मैंने थोड़ा सा चेंज किया अपने घराने में जी, जो कठिन पद थे उनको सरल किया जी, बच्चों को समझाने के लिए जी, सरगमों का कुछ पलटे तैयार किए, जैसे सारे ग रे ग सारे सारे ग सारे ग ग रे सा रे ग म ग म रे ग म ग म रे ग म म ग रे, तो बच्चे ये दो दो का विभाग बन रहा है इसमें, सारे ग रे ग सा रे ग रे सा रे ग ग ग रेसा, ऐसा बन रहा है विभाग। तो बच्चे आराम से आलाप अपने गले को तैयार कर सकते हैं आलाप के लिए। हमारे गुरुजी ने कहा, माँ नहीं, क्योंकि हमारे गुरुजी ने माँ बाप से ज्यादा हमें प्रेम दिया जी। ये मैं सोचता था कि साधु बहुत निष्ठुर होता है, हमारी ये विचारधारा थी, लेकिन जब यहाँ आया तो मुझे लगा कि अरे यार घर से ज्यादा प्रेम यहाँ मिल रहा है। मैं बीमार पड़ूं तो डॉक्टर खुद आ जा रहा है कार लेकर दवा करने। तो हमारे जो गुरुदेव भगवान हैं उन्होंने बहुत प्रेम दिया और उन्होंने अनुशासन किया, डंडा से मार करके व्याकरण न्याय कहे, पढ़ोगे नहीं तो संगीत का डिफिनीशन कैसे करोगे, परिभाषित कैसे करोगे संगीत को, तो उन्होंने बहुत कुछ सिखाया और मेरा तो मन रम गया भाई। गुरु जी ने डांटा कि नाचने गाने का क्या काम कर रहे हो ब्राह्मण हो करके। फिर हमने कहा कि शास्त्र में आया है कि नृत्ता बसाने नटराज राजो ननाद ढक्का नौपंचवारम, तो ननाद ढक्का नौपंचवारम भगवान ने डमरू बजाया है, डमरू नद्य वाद्य है, और डमरू से आपके व्याकरण की उत्पत्ति हुई है, तो संगीत जननी है व्याकरण की, उसको कैसे छोड़ा जाए। उन्होंने कहा तुम्हारा तर्क जायज है, तो वो भी प्रसन्न हुए हमारी बात से, फिर बोले तुम सीखो। गुरु ने अच्छी तालीम दी है। अच्छा, अगर एक अच्छा गुरु होगा तो अपने शिष्य को हर पहलू से मजबूत करेगा, लय से भी, लाइट के भी सुर ऐसा लगवाएगा जैसे हमारे गुरु जी लगवाते हैं, ग ग रे सा रे नि रे सा नि सा धानी धसा नि सा धानी पद पा नि ध प ध म प ग म प ग म ग रे सा, क्या बात, ये लाइट में प्रयोग होता है। तो हमारे गुरु जी ने ऐसी तैयारी करवाई है कि मैं क्लासिकल भी गाऊंगा तो क्लासिकल जैसा लगेगा, फिर क्लासिकल के अंग से गाऊंगा क्लासिकल, कवाली गाऊंगा तो कवाली के अंग से, और फिल्मी गाऊंगा तो रे रे रा रे रा रे रे ना तना रे रा 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 रे रा, तो फिल्मी अंदाज में उसको गाऊंगा। सारा सारा दिन तेरे बिन हुन नहीं गुजरदा यारा, सारी सारी रात भी मावाज बंदा परवरदारा, मास्टर सलीम ने गाया है, ये पोक हो गया।
होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज है, इश्क कीजिए फिर समझिए जिंदगी क्या चीज है। मेरे हम नफस अभी जो वायरल हुआ है, जी जी जी, मेरे हम नवा मुझे दोस्त बन के दगा न दे, मैं हूँ दर्द इश्क में जान बलब, मुझे जिंदगी की दुआ न दे। मेरे हम नफस मेरे हम नवा, प्रेम भटिका मदवा पिलाई के, प्रेम भटिका, मैं अपने रंग में गाने की कोशिश करता हूँ, मदवा पिलाई के मतवारी कर दे नीरे, मुझसे नैना मिलाई के छाप तिलक सब छीनी रे, मुझसे नैना मिलाई के खुसरो रैन सुहाग की, मैं जो जागी पी के संग तन मोरा मन पीबू की, मैं तो जागी हो मैं तो रंगी एक ही रंग है रे, मुझसे नैना मिलाई के छाप तिलक सब छीनी रे, मुझसे नैना मिलाई के। राम का गुणगान करिए राम का, राम प्रभु की भद्रता का, राम प्रभु की भद्रता का सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए राम का गुणगान, इसमें मिश्र प्रयोग, गुणगान करिए राम का। गजब तेरी दुनिया मालिक, गजब तेरी दुनिया मालिक, जो जाने सो गुणी कहावे, जो बिन गुण निर्गुणिया मालिक। गजब तेरी दुनिया ददनी सदनी मनी ददनी पम पनी मनी नि पम प गम प गम रे सदनी पम प दधनी रे सा, गजब तेरी दुनिया मालिक। सांसों की माला पे सिमरू मैं पी का नाम, अपने मन की मैं जानू और पी के मर की राम, अपने मन की मैं जानू और पी के मर की राम। सांसों की माला पे सिमरू मैं पी का नाम, सांसों की माला पे सिमरू मैं पी का नाम। ज्वाला सी जलती है आंखों में जिसकी वही दर दर दो, दारा दा 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 दो, दर्द अंबर पुकारे दा दा दर दा 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 रे दा 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 दा, ओ देवा श्री गणेशा, देवा श्री गणेशा, देवा श्री गणेशा। भीगी भीगी सड़कों पे मैं तेरा इंतजार करूं, तुम नहीं गम नहीं शराब नहीं, तुम नहीं गम नहीं शराब नहीं, ऐसी तन्हाई का जवाब
अब नहीं, उनके गाने का अंदाज था, कहाँ से मुड़ जाते थे, सुनने में आसान लगेगा, बहुत कठिन गाते थे। ऐसी तन्हाई का जवाब नहीं, मखमली मुर्गियाँ, नहीं तुम नहीं, गम नहीं, शराब नहीं। श्री राम चंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। क्या बात। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम, जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम।